नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज ईद का दिन है, आप सबको ईद की और अक्षय तृतीया की और आज परशुराम जयंती है, आपको शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। और आज एक पावरफुल वीडियो लेकर आया हूं और बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स आते हैं हमारे पास, बहुत सारे लोग फीडबैक देते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, गूगल के माध्यम से। गूगल रिव्यूज आपने देखे होंगे, लाइब्रेट में देखे होंगे, प्रैक्टो में देखे होंगे, यानी हर जगह आपने हमारे रिव्यूज देखे होंगे। मगर एक बात ध्यान रखिए कि हमारा टारगेट आप लोगों को प्रमोट करना, हमारा चैनल प्रमोट करना नहीं है, हमें कोई एडवर्टाइज करना नहीं है। मगर आज जनहित में जारी, मतलब आज कुछ लोगों को नॉलेज नहीं है और वो गलत डॉक्टर का चुनाव कर लेते हैं, जिससे आजीवन उनके जीवन में डिप्रेशन की शिकार हो जाते हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को ये दर्शाता है कि कभी भी एक सही डॉक्टर का चुनाव करें, जरूरी नहीं कि हमें दिखाएं, मगर एक क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखा के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, क्योंकि जीवन से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारे सामने शैलेंद्र जी बैठे हुए हैं और कई दिनों पहले, अब मेरे को डेट याद नहीं है, लगभग एक महीना हो गया होगा, आप मेरे पास आए थे। और आप मेरे पास जब आए तो बहुत ही डिप्रेस्ड लग रहे थे, आपके मन में बहुत सारे डाउट्स थे और बार बार एक बच्चा ही पूछ रहा था, सर साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। मैंने बार बार इससे यही चीज पूछी, बेटा ये नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं, आप सकारात्मक सोचो, आप नकारात्मक क्यों सोच रहे हो। मगर इसके माइंड में बहुत सारी चीजें स्टोर हो गई थी, इसके सबकॉन्शियस माइंड में, इसके अवचेतन मन में। मगर मुझे नहीं मालूम था कि ये भुक्तभोगी। कहावत आपने सुनी होगी दोस्तों, दूध का झला छाछ भी फूक फूक के पीता है। और आज ये वीडियो बनाने का उद्देश्य जो हमारी टेक्निकल टीम का है कि आप लोगों को ये मालूम चल जाए कि कभी भी, देखिए तीन कैटेगरी के लोग इस दुनिया में होते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं बेवकूफ, जो बार बार गलती करता है, और उसको मालूम है कि मैं गलती कर रहा हूं फिर भी वो गलती करता है, उसको हम बेवकूफ बोलते हैं। दूसरी कैटेगरी का इंसान होता है समझदार, जो गलती करके सुधर जाता है, वो कभी गलती कर चुका होता है मगर उसको मालूम है कि अब मैं गलती नहीं करूंगा। और तीसरी कैटेगरी होती है बुद्धिमान, बुद्धिमान का मतलब होता है जो कभी गलती नहीं करते और दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं। और आज सभी बुद्धिमानों का मैं स्वागत करता हूं, और जिनकी गलती हुई उनसे क्या गलती हुई आज खुद हम शैलेंद्र जी से पूछेंगे। शैलेंद्र जी, आपने जब मुझे कंसल्ट किया, जब मेरे हॉस्पिटल में आए, उससे पहले आपने किसी डॉक्टर को दिखाया था, हम नाम शोधी करेंगे उस डॉक्टर का, हम नहीं चाहते किसी डॉक्टर की बदनामी हो, नीम हकीम है कि डॉक्टर, हमें ये भी नहीं मालूम, मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं, मगर क्या दिक्कत हो रही थी आपको वहाँ पे? जी सर, मैं जब पहले इलाज ले रहा था इस बीमारी का, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मेरी तबीयत बिल्कुल कभी भी सही नहीं रहती थी। ओके। मुझे साइड इफेक्ट्स होने लग गए थे, कभी एसिडिटी होने लगती थी, कभी पेट में दर्द होने लगता था। ओके। तो मतलब मेरे को बिल्कुल, मैं बहुत परेशान हो गया था ये दवाइयां ले लेके, एलोपैथी की। एलोपैथिक दवाइयां, तो किसने रेफर करा था आपको उधर? जी मेरे को एक मेरे फ्रेंड थे, okay. उनके फादर ने वहाँ से ट्रीटमेंट लिया था, okay. तो उन्होंने मुझे वहाँ पर बताया। अच्छा। लेकिन वहाँ मेरे को बिल्कुल भी किसी दवाई का कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। ओके। और साइड इफेक्ट्स भी होने लगे थे? जी, मेरे को साइड इफेक्ट्स भी होने लगे। जब आप मेरे पास एक महीने पहले आए थे तो आप बार बार एक ही चीज बोल रहे थे, सर साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, इसीलिए बोल रहे थे। जी, मुझे इसी का डर लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये शैलेंद्र जी के साथ कुछ ऐसी घटना हुई कि इन्होंने कुछ ऐसी दवाइयां ली, जैसे कि शायद मेरे ख्याल से आपको सोने से पहले एक दवाई दिया करते थे, और शायद आप सेक्सुअल लाइफ थी तो उससे पहले भी बोलते थे एक दवाई खा लो। तो एक सोच के देखिए कि 25-26 साल के युवा को एक ऐसी दवाई दी जा रही है जो उसको आदि बना रही है, और यही कारण था कि इसके मन में बहुत सारी चीजें आ गई थी कि यार मेरे को जिंदगी भर, आपने वैसे बोला भी था कि क्या मुझे जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, डर के आगे जीत है। और जब आप मेरे पास आए, मैंने पूरा केस टेकिंग फॉर्म आपका फिल करवाया था, डॉक्टर चौहान ने पूरा केस टेकिंग आपका लिया, उसके बाद हमने पूरी मॉनिटरिंग करी, आपका बीपी, पल्स, एवरीथिंग, जिसको बोलते ना कि एक पूरा कंप्लीट केस टेकिंग फॉर्म जब मेरे पास आया तो मैं समझ चुका था कि आपकी प्रॉब्लम परफॉर्मेंस एंजाइटी की है। और गलत डॉक्टर का चुनाव करके, नीम हकीम हो या जो भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता मैं किसी डॉक्टर का, उस डॉक्टर ने आपका एक बोल सकते ना कि जो दवाई जरूरत में नहीं थी वो भी दवाई आपको दे दी, और इसीलिए आपके मन में आ रहा था सर मैं दवाइयां नहीं लूंगा। और जब आप मेरे पास आए, मैंने शायद आपको दवाइयों के लिए बोला भी नहीं था, मैंने आपकी काउंसलिंग करी, आपको डाइट चार्ट बताया था, ये सब जी जी सर, एक्सरसाइज बताई थी, हाँ सर, तो डाइट चार्ट, एक्सरसाइज, और मैंने इनका प्राइवेट एग्जामिनेशन करा, और मुझे मालूम था ये परफॉर्मेंस एंजाइटी है, 100% परफॉर्मेंस एंजाइटी निकली। मैंने इनको डिटॉक्स करने के लिए, मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, मैंने आपको प्लेसिबो भी दिए थे बेटा, है ना, साथ में प्लेसिबो, मतलब जो दवाइयां में दवाइयां होती नहीं है, एक शक्कर की गोली के रूप में दी मैंने इनको कुछ दवाइयां, आज मैं आपको बता रहा हूँ। साथ में वाइटा C15, ये हमारा नरवाइन टॉनिक होता है, जिससे आपने मुझे बोला था नींद नहीं आती है मुझे, है ना, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दी जा रही थी इनको, है ना, कुछ चटनी वगैरह, या आप बता रहे थे कुछ डब्बे में चटनी डाल के उसमें दूध में घोल के देने के लिए, तो मैंने इनकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए नक्स वोमिका दी, वो नक्स वोमिका हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है जो बॉडी को डिटॉक्स कर।
उसके बाद आपको ध्यान होगा कि हमने आपको 30 बॉटल्स का एक कोर्स सजेस्ट किया था, वो एक बॉटल वाइटा सी 15 उसका नाम है और वो नरवाइन टॉनिक के नाम से फेमस है। डॉक्टर रेक्वेक की भी आती है, एडल की भी आती है, वो एम्प्यूल्स फॉर्म में आती है, 10 ml के एम्प्यूल्स। तो वो क्या करती है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स भी करती है, नर्व बोलते हैं ना वीकनेस, नर्वाइन वीकनेस के लिए बहुत अच्छी है। आपको कैसा फील हुआ लेने के बाद, नेचुरल नींद आई आपको? आपको कोई अलग से दवाई लेने की जरूरत तो नहीं पड़ी? देखिए अभी यही कारण रहा है कि जब भी हम नीम हकीम के चक्कर में पड़ते हैं या ऐसे डॉक्टर्स जो आपको एडिक्टेड बना देते हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी कोई पेशेंट आता है उसकी टोटेलिटी ऑफ सिम्टम्स, हमारा जो हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर है, फिर से बोलता हूँ, रैपिड जेंटल परमानेंट, रैपिड मतलब फास्ट, जेंटल मतलब विदाउट साइड इफेक्ट, और परमानेंट मतलब उसका क्योर पे जाते हैं हम लोग। अब हो क्या रहा है कि मैक्सिमम लोग प्रीजज करते हैं, मान लीजिए एक पेशेंट आया, उसको मालूम है, उसको पूछा ही नहीं कि तुम मैरिड हो कि नहीं, उसको व्याग्रा दे दी, उसको उसको जरूरत ही नहीं थी क्योंकि वो एक्टिविटी करता ही नहीं है। जब आप उसको बिना केस टेकिंग लिए दवाई दोगे तो साइड इफेक्ट होना स्वाभाविक है। इसीलिए मैं आज आप जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं और जो आने वाले सब्सक्राइबर हैं जो मेरा वीडियो देखेंगे, मैं एक ही चीज बोलूंगा, आप किसी भी डॉक्टर को दिखाएं अपनी पूरी केस हिस्ट्री, पास हिस्ट्री जो भूतकाल है और प्रेजेंट हिस्ट्री, आप क्लियर बताएं, शर्माए ना, आपको यह झिझक नहीं होनी चाहिए कि डॉक्टर क्या सोचेगा, वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा कि नहीं, या हमारी प्रॉब्लम लीक तो नहीं हो जाएगी। आप डॉक्टर के सामने बिल्कुल एज ए उनको टीचर मानिए अपना, और आप स्टूडेंट की तरह उनको समझाइए, हर एक बात बताइए, भले ही वो ऑनलाइन कंसल्टेशन हो, भले ही वो डायरेक्ट में इन क्लिनिक या इन हॉस्पिटल कंसल्टेशन हो, तभी आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो सकती है। और मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा शैलेंद्र जी, कि आपको हमारी मेडिसिन, और उस मेडिसिन की तो बात नहीं करता मैं जो आप बाहर गए, हमारी मेडिसिन एक महीने के बाद आप कैसा फील हो रहा है आपको? जी पहले से बहुत बेहतर फील हो रहा है, मैं चाहूंगा कि आगे भी मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही। वेरी गुड वेरी गुड। क्या क्या मतलब उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं लगे आपको? नहीं सर, मेरे को नींद भी अच्छी आने लगी, okay. मैं रात-रात में उठ जाता था, okay. दवाई ये पुरानी वाली जो मैं ले रहा था, ओके okay. यानी आप नींद चौक के उठ जाते थे रात में, यानी खुल के नींद, साउंड स्लीप नहीं आती थी आपको? प्रॉपर नहीं, अब मैं नींद भी अच्छी हो रही है, ओके, मेरी हेल्थ भी अच्छी लग रही है। वेरी गुड, यानी आपको अंदर से फिजिकल और मेंटल वेलनेस पे आप आ गए हैं। तो मैं आपका डाइट चार्ट हमारा अच्छा लगा आपको फॉलो करा आपने, योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी? जी सर। कार्डियो कर रहे हैं? कीगल एक्सरसाइज कर रहे हैं? जी सर। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि भविष्य में भी अगर आपको हेल्प लगती है, हमारा हेल्पलाइन हमेशा चालू रहता है, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ ही चलेंगी। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का फीडबैक वीडियो आपको कैसा लगा, और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप किसी भी शहर में हो, मैं तो बोलता हूँ इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, आपको सबसे पहले आप एक सबसे अच्छा डॉक्टर आप खुद होते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए आपकी प्रॉब्लम क्या है। आज बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, बहुत सारे लोग हमें कॉल्स करते हैं, सर मेरे को फोन पे इलाज चाहिए। फोन पे इलाज कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं मानता हूं अगर कोई इंसान नहीं आ पा रहा है तो वो ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकता है। उसका एक तरीका होता है, एक सलीका होता है कि उसका पूरा फॉर्म फिल करेंगे हम, वीडियो कॉलिंग देंगे हम, उसको डाइट चार्ट देंगे। जो सुविधा आपको हॉस्पिटल में क्लिनिक में मिलती है वही सुविधा हम ऑनलाइन पेशेंट को देते हैं। मगर आप ऑन कॉल अगर मुझसे बोलेंगे दवाई बता दो, तो ये कोई तरीका नहीं होता, क्योंकि हर शरीर अलग है, हर शरीर में मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स अलग है। किसी को ठंड लगती है, किसी को गर्मी लगती है, किसी को भूख ज्यादा लगती है, किसी को कम लगती है ना, समझ रहे हैं? किसी को गर्मी पसंद है, किसी को ठंड पसंद है, किसी को ठंडा पानी पसंद है, किसी को गर्म पानी। तो जब हर हर एक इंसान को ईश्वर ने अलग बनाया है तो दवाई सेम कैसे हो सकती है? तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, इंडिविजुअलाइजेशन जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, हर पेशेंट को हम अलग तरीके से उसकी केस चेकिंग लेने के बाद रिपर्टराइज करके प्रॉपर सिलेक्टेड मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपको लगता है हमारा चैनल आपके उपयोगी है तो उसको सब्सक्राइब कराएं, लाइक करें, शेयर करें, और हमारा हेल्पलाइन नंबर 9893880001, हमारी वेबसाइट www.bestsexologistdoctor.com। और एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि मंजिलें तो मिल जाती हैं दोस्तों, मंजिलें तो मिल जाती हैं, भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।